हेलो एवरीवन, मैं हूं फिरदौस शेख। हाउ टू कुक दिस में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इजी और बेकरी जैसा सॉफ्ट सिंपल वेनिला केक। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसे पैन में बनाने वाले हैं, तो पैन में ऐड कर देंगे नमक। नमक को आप कई बार यूज़ कर सकते हो, ये मैंने यूज़ किया हुआ नमक ही लिया है। और ये प्रोसेस आपको अभी ही करना है, अगर बाद में करोगे तो हमारा बैटर बैठ जाएगा और अच्छे से राइस नहीं होगा। तो इसे ढक कर रख देते हैं 10 मिनट के लिए। और साथ ही साथ हम केक टिन को भी ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास ऐसा केक टिन नहीं है तो आप कोई भी डिब्बा या पतीली भी ले सकते हो। और ये देखिए, मैंने राउंड शेप में बटर पेपर को कट करके ले लिया है। तो इसे इस तरीके से रख देंगे और इसे भी हमें ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप सिंपल पेपर या मैदा डस्ट कर सकते हो। तो चले अब बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 अंडे ले लिए हैं। अंडों को फोड़ कर डाल देंगे इस बॉल में। अगर आप अंडे नहीं खाना पसंद करते या नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इस वक्त 1/2 कप दही ले लेना। अब ऐड करते हैं 1/2 कप पीसी हुई चीनी और दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बीट करना है। तो इसे मैंने 5 मिनट के लिए लगातार बीट किया है। आप ये प्रोसेस करोगे तभी हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे मैदा। मैदे को मैंने 2 बार छान कर ले लिया है और थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करते जाएंगे और इसे बीट करते जाएंगे। थोड़ा और मैदा ऐड करेंगे और यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 कप मैदा, यानी कि 1.5 कप मैदे का यूज़ किया है। आप अपने केक टिन के हिसाब से मैदा यूज़ कर सकते हो। अब ऐड करते हैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 कप तेल ½ टीस्पून वेनिला एसेंस। आप ये ज़रूर यूज़ करना, इसी से हमारे केक में बेकरी जैसा फ्लेवर आएगा। तो बस सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिला लेना है। अब ऐड करेंगे दूध। दूध को हमें थोड़ा थोड़ा ही ऐड करते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है। देखिए, इस तरीके से हमें विस्कर से घुमाते हुए इसे मिक्स करना है। अब थोड़ा और दूध ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 1/2 कप दूध का यूज़ किया है। देखिए, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो बस अभी ज़्यादा देर नहीं करनी है, इसे डाल देंगे हम इस मोल्ड में। और इसे पूरा नहीं भर देंगे, इसे आधा ही भरेंगे और इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा टेप कर लेना है। और डायरेक्ट इसे हम रख देंगे पैन में। तो पैन में पहले हम रख देंगे ये प्लेट। आप इसकी जगह कोई स्टैंड भी रख सकते हो। और अब रख देते हैं हमारा केक मोल्ड और इसे ढककर हमें पकाना है 35 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे। देखिए, इस होल को भी हम बंद कर देंगे। थर्टी फाइव मिनट्स के बाद केक हमारा राइस हो के ढक्कन से टच हो रहा था, तो मैंने कढ़ाई ढक दी थी। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। देखिए, टूथपिक बिल्कुल साफ निकली है, यानी कि केक हमारा बहुत ही अच्छे से पक गया है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे नाइफ से अलग कर लेंगे। इसे बेक करने में मुझे 35 मिनट्स लगा है। ये टोटली बेक होना आपकी फ्लेम पर डिपेंड है। आप इसे बार बार चेक मत करना, बस 10-15 मिनट के बाद इसे एक बार चेक कर लेना। देखिए, कितनी आसानी से केक मोल्ड से निकल गया है। तो इसका बटर पेपर भी निकाल लेते हैं। देखिए, कितना बढ़िया कलर आया है, बिल्कुल बाहर जैसा। तो अब इसे सीधा कर लेते हैं और चले मैं आपको इसे कट करके बताती हूँ। अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करके ये केक बना लोगे तो यकीन मानिए आप कोई भी केक बना सकते हो।
तो देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट केक बनके तैयार हुआ है। तो चलिए इसे खा के भी देख लेते हैं। तो यकीन मानिए ये बाहर से भी ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक ये स्क्रीन पे दिखने वाली वीडियो भी क्लिक करके ज़रूर देखते जाना।